नमस्कार चैंपियन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। और चैंपियन में आज हम एक ऐसी महिला हॉकी खिलाड़ी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है एशियन गेम्स में, और अब आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए उनकी तैयारियां चल रही हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं आज उसी हॉकी खिलाड़ी से, नेहा गोयल नाम इनका। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपके दिन थर्टी पर। थैंक यू। नेहा, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे अपने जो दर्शक हैं, जो हरियाणा से लोग देख रहे हैं, जो पूरा देश देख रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों ने कामयाबी एक एशियन गेम्स में हासिल की उसको लेकर? आज हम यहाँ पे हैं तो जनता का भी काफ़ी सपोर्ट है और पूरे देशवासियों का हमें सपोर्ट मिला, तभी हम यहाँ पे आज हम मेडल लेके आए हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सबको, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया सबने। थैंक यू। जो ये मुस्कुराहट है जो चेहरे पर, वो बयां कर रही है कि आखिर किस तरीके से इन लोगों ने एक परचम लहराया है। लेकिन नेहा, अगर हम बात करें जिस तरीके की तैयारियां थीं और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा वहां पर, और आपका वो गोल जो था जिसने कि बराबरी पर हम लोगों को लेकर के आ पाई, वो गोल भी किसी ने भूला नहीं है, उस समय था क्या दिमाग में, चल क्या रहा था? हम 1-0 से पीछे चल रहे थे, हमारी टीम को यह था कि हम बहुत अच्छा खेल रहे थे हमारी टीम, बस हमें यह था कि हमें बराबर करना है, और अगर हम बराबर करके शूट आउट में जाते तो हमारी टीम डेफिनेटली जीतती पक्का। हमारे शूट आउटर बहुत अच्छे हैं और गोलकीपर भी बहुत अच्छा था, वो तो पीसी डिफेंस हमारा बहुत अच्छा है, पर पता नहीं बाय चांस लक होता है कि पीसी डिफेंस में हमने पहली बार गोल खाया है। जापान ने भी हमें बोला अपने उसमें कि पीसी डिफेंस बहुत अच्छा है इंडिया का, पर इस पीसी डिफेंस को हम लोग तो समझ रहे, लेकिन जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा आप नॉर्मल भाषा में कैसे समझाएंगे? जो प्लेंटी कॉर्नर मिलता है दूसरी टीम को और 5 प्लेयर डी के अंदर खड़े होते हैं, उन दूसरी टीम के 8 प्लेयर खड़े होते हैं, हमें भागना होता है, वो गोल के अंदर मारते हैं। हमारा वो बहुत अच्छा है, हम कभी गोल नहीं खाते हमारी टीम, पर इस बारी वो गलती हुई है, आगे से उस पर मेहनत करेगी हमारी टीम और बेटर अच्छा प्रदर्शन करेगी। नेहा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो एक वो गोल रहा जिसमें आपने बराबरी पर लाए, उससे पहले आपने बताया कि ये था कि बस बराबरी पर लाना है, लेकिन आप मिडफील्ड में खेलती हैं और किस तरीके से सीधे तौर पर अटैकिंग मोड में आपको देखा गया और आपने वो गोल किया, तो उस समय क्या था, कुछ चीज़ें खुद ब खुद बदलती हैं वहाँ पर? हाँ जी, हमारे यहाँ लेफ्ट साइड प्लेयर आपस में लेके जा रहे थे, राइट साइड पूरा खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि पूरा खाली है, सेकंड पोस्ट कोई भी नहीं है, मुझे अपनी प्लेयर का पता था वो सेकंड पोस्ट हिट मारेगी और मैं वहाँ पे पहुँचूंगी तो पक्का गोल होएगा जी। नेहा, एक चीज़ और, जो हॉकी में ये बोला जाता है कि भाई एक प्लेयर और दूसरे प्लेयर यानी कि सारे के सारे प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, उस समय आपको मन को पढ़ लेना होता है कि मेरे जो साथी है वो क्या करने वाली, जैसे आप ये कह रहे थे कि वो अभी उस तरफ ही खेलेगी, तो इसके लिए ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है या आपस में जो समझ है वो बहुत ज़रूरी? ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है और हम आपस में भी बात करते हैं कि अगर मैं इधर हूँ तो तू इधर भागना, और मैं इधर बोल दूँगी वापस आऊँगी तो मुझे वापस देना बोल, हम बात भी करते हैं और ट्रेनिंग भी कोचिज करवाते हैं जी। तो इस बार जब इंडिया कैंप में थी आप लोग तो किस तरीके से बात हो रही थी कप्तान से भी, और चूँकि हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी हैं हॉकी टीम में, तो किस तरीके से आपस में कुछ एक वो भी होता है कि हरियाणा से हैं हम लोग तो ट्यूनिंग और थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, हालांकि वहाँ तो इंडिया के लिए खेल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हरियाणा से हैं तो ट्यूनिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है? ऐसा नहीं है कि हरियाणा, वहाँ पर पूरी टीम होती है हमारी, हम एक लड़की हम बात करते हैं, एक लड़की अपना सोच के जाते हैं, बताते कि हमें ये करना है मैच के अंदर कि मुझे डिफेंस अच्छी करनी है, मुझे पासिंग अच्छी करनी है, और आपस में बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होती है काफ़ी और कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा नेहा, अगर हम बात करें अब आगे आने वाले टूर्नामेंट्स किस तरीके से हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन चल रही है, अभी आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं प्रीतम सिवाज जी जो कि इंडिया की कैप्टन रह चुकी हैं, उनके निगरानी में आप शुरू से लेकर के अब तक ट्रेनिंग ले रही हैं, आगे किस तरीके से टूर्नामेंट्स की प्लानिंग चल रही है, क्या क्या तय किया है? अभी तो एशियन गेम के बाद हमें रेस्ट पे भेजा गया ताकि रिकवरी मिले हमें, क्योंकि हमारी कंटिन्यू 3 टूर्नामेंट हो गई थी, वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ एशियन गेम, अभी एक 20-25 दिन का रेस्ट दिया, उसके बाद हमारा ओलंपिक क्वालिफाई के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए हमें राउंड 2 राउंड 3 खेलने पड़ेंगे और 2020 में जो ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा जी। अब ऐसे में एक चीज़ और आती है कि अब ओलंपिक है तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें टक्कर भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है, जब आप सारे लोग कैंप में मिलती हैं तो दिमाग में वो पैशन आता है कि यार हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना ही है,
क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि लंबा अरसा था उसके बाद क्वालिफाई किया था। हाँ जी, पीछे भी 36 ईयर के बाद क्वालिफाई किया था। अभी हमारी टीम में सिर्फ 12 लड़कियां ओलंपियन है, और सीनियर भी बोलते हैं, हमारे कैप्टन बोलती है, मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम ओलंपियन हो और हम ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आए, और अभी कैंप में जाएंगे तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम ओलंपिक क्वालिफाई करें। जी, अब कैंप में कितना सपोर्ट मिलता है कोचेस का वहाँ पर अलग तरीके से, और विदेशी कोच भी आप लोगों ने देखा है किस तरीके से उनकी तैयारियाँ होती हैं। इसके अलावा रानी रामपाल भी हैं कप्तान के तौर पर, उनकी भूमिका किस तरीके से आप देखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोचेस जब मिलते हैं तो किस तरीके से तैयारी देखती हैं आप? जो हमारे कोचेज है वो होलैंड से है, और एक फिजिकल ट्रेनर है, वो हमारी एक एक पॉइंट पॉइंट पे चीज़ बताते हैं, हमें एक एक चीज़ बता के हमें एक एक प्रैक्टिस करवाते हैं डेली। और जो हमारा फिजिकल ट्रेनर है वो हमें जिम रनिंग वगैरह सब करवाते हैं, और रानी कैप्टन जो हमारी रानी है वो हर पूरी टीम को साथ लेके चलती है। मतलब कभी हो जाता है कि टीम में एक कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम एक साथ रहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जैसे हॉकी को अगर लोग जानते हैं तो वो चक दे इंडिया जो फिल्म आई थी उसमें हॉकी को लोगों ने कभी काफ़ी करीब से देखा जाना, और क्रेज़ भी काफ़ी बढ़ा था उस मूवी के बाद। क्या ऐसा होता है कि दो स्ट्राइकर हैं और उनमें आपस में भी इस तरह के, जो चक दे मूवी में हम लोगों ने देखा था कि गोल को लेकर के भी कि किसने कितने गोल किए, इस तरह को लेकर भी एक कॉम्पिटिशन अंदर भी चल रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता हमारी टीम में, हमारी पूरी टीम अपने उससे खेलती है पूरी, कि हमें अपना पूरा बेस्ट देना, पूरी टीम को देना है, क्योंकि 127 करोड़ जनता हमें देख रही है, उनके लिए खेलते हैं, हम अपने लिए नहीं खेलते। अगर कप्तान की बात करें, आपने कहा कि रानी जिस तरीके से टीम को लीड कर रही हैं, मोटिवेशन कई बार ऐसा होता है कि टीम बहुत डाउन फील कर रही होती है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो उस समय मोटिवेट किस तरीके से किया जाता है आप लोगों को, क्या बोला जाता है? वो हमें बोलती है कि हमें अपने घर वालों के लिए खेलना है, हमें अपने लिए खेलना है, हमें जनता के लिए खेलना है, और हमारे अंदर थोड़ा वो भरते हैं मोटिवेशन, हमें जोश दिलाते हैं, और हम खेलते भी है फिर उसके बाद। तो फटकार भी लगती होगी, डांट भी पड़ती होगी? डांटते भी है, कई बार हम नहीं खेल पाते, छोटे हैं, और अभी भी हम एशियन गेम में हमारा पहला मैच अच्छा नहीं गया था, सीनियर्स ने मीटिंग भी ली, हमने सब ने बैठ के बात की, उसके छोटे थे, कई बार गलती हो जाती है, पर अगर वो हमें मोटिवेट करते तो हम आगे और अच्छा खेल करते हैं, तो इसलिए मैं तो सोचती कि हमें थोड़ा बहुत कभी कभी डांट भी पड़नी चाहिए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें। तो डांट तो आपको खेलते खेलते एक लंबा वक्त हो गया है, ऐसे में डांट तो हॉकी में आपने बहुत पहले प्रीतम शिवाज जी जिनके अंडर में आप हैं, कोचिंग भी ले रही हैं आप, उनकी तरफ से भी काफ़ी डांट भी पड़ी होगी आपको? हाँ जी, बचपन से स्टिक भी लगती थी और डांट भी पड़ती थी, पर वो हमारे फायदे के लिए ही मारते हैं, अगर हम कुछ गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे, वो बताए जा रहे हम वही गलती करते हैं तो गुस्सा उठता है कोच को, वो हमारी फायदे के लिए, पर हम कभी बुरा नहीं मानते। सबसे सबसे डिफिकल्ट, हालांकि आपका भी अंतर्राष्ट्रीय करियर जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, अभी बहुत लंबा आपका करियर है, आगे आपको बहुत सारे मेडल भी जीतने हैं देश के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आखिर किस तरीके से तैयारियां चलती हैं और सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है, अगर पूरे हॉकी की बात करें तो सबसे डिफ़िकल्ट क्या है? सबसे डिफ़िकल्ट डोमेस्टिक लेवल पे होता है, जो ग्रास ग्राउंड पे होता है प्रैक्टिस, हम यहाँ पे इतना वो नहीं कर ध्यान नहीं देते बच्चों पे, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल गेम में जब कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे अलग हॉकी होती है, यहाँ पे अलग सिखाते हैं, वहाँ पे अलग सिखाते हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी डोमेस्टिक लेवल पे भी सेम हॉकी सिखाई जाए ताकि बच्चों को वहाँ पे जाके परेशानी ना होए। ये बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हो रही हैं नेहा के साथ, जो कि इंडियन हॉकी टीम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, और लगातार उनकी तरफ से जिस तरीके से खेल देखने को भी मिला है, और यहाँ पर भी अभ्यास चल रहा है और हम लोग बीच में आ रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम भी अपना लोकेशन बदलेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नेहा गोयल ने ज़मीनी स्तर पर हॉकी खेली और उसके बाद अब इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत सारी और भी बातें हैं, अब हम शुरुआत इस बिना पर करते हैं कि आखिर नेहा का शुरुआत किस तरीके का रहा और कितनी दिक्कतें और कितनी मुश्किलें नेहा को आई हैं
हॉकी के दरमियान। नेहा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन को थोड़ा सा याद कीजिए, यादें ताज़ा करते हैं, और सबसे पहले हॉकी खेलूंगी, हॉकी प्लेयर बनूंगी, इंडिया के लिए खेलूंगी, ये बात जहन में, ये बात दिमाग में कब आई थी, कैसे आई थी? कुछ एक वाक्या, कुछ ऐसी बातें जो बताएंगी आप। दीदी और के फोटो आते थे न्यूज़पेपर में, अच्छा, उनको दीदी यानी प्रीतम सिवाच प्रीतम हमारी जो कोच है जी। उनके न्यूज़पेपर में फोटोज़ वगैरह आते थे, न्यूज़ वगैरह आती थी, तो उनको देख के मैं ग्राउंड में गई थी एक बारी। मैं दीदी से बात की तो दीदी ने मेरे को हॉकी स्टिक दी, तब से फिर डेली ग्राउंड में आते जाते। और उस समय उम्र क्या थी आपकी तकरीबन? मेरी 9 साल 9 साल मतलब की नौ थी। साल की हाँ थी जी, आप तब से, मतलब लगातार, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 12-14 साल हो गए हाँ आपको जी। हॉकी खेलते हुए। कभी ऐसी कोई ऐसी बात, घर वाले कितने आपके साथ थे कि आप एक हॉकी प्लेयर, क्योंकि 9 साल पहले, यानी कि हम मान लीजिए 2009 के करीब की बात है ये, जब आपने हॉकी शुरू किया, किस तरीके से घर वालों का सपोर्ट मिला? घर वालों ने तो कभी मना नहीं किया, क्योंकि बहुत पुअर फैमिली से हूँ मैं। पापा मेरे ड्रिंक वगैरह करते थे, अभी है नहीं, उनकी डेथ हो गई है। तो मम्मी ने भी कभी मेरे को वो नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया घर। वैसे भी गली वाले कभी मना करते थे कि लड़की है कुछ नहीं करेगी, क्यों भेजते हो, पर मम्मी ने बोला इंजॉय कर जा, मतलब अपना करियर बना, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे में हॉकी खेलना आसान भी नहीं है, चोटें भी लगती हैं बहुत। कभी ऐसा भी हुआ कि काफी इंजर्ड भी हुए और दूर भी रहना पड़ा खेल से? हाँ जी, मेरे को इंजरी हुई थी पैर में, और मैं 6 महीने तक स्टिक नहीं पकड़ी थी। उस टाइम काफ़ी दुख हुआ था कि कब, तब पता चला था कि हम कभी हॉकी छोड़ेंगे, तो बहुत दुख होएगा और बार बार मन करेगा कि अकाश हम छोटे ही रहे और हमेशा खेलते रहे। हाँ, क्योंकि उस 6 महीने को किस तरीके से आप याद करती हैं नेहा? उन 6 महीनों में कितनी तकलीफ, क्योंकि आप उस समय स्क्रीन पे ही देख पाती होंगी अपने साथियों को खेलते हुए, या बड़े टूर्नामेंट्स में अगर वो शिरकत कर रहे हैं, या प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं, देख रही हैं कि लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कितना पेनफुल होता था। दुख तो होता था, पर इंजरी के बाद प्लेयर स्ट्रोंग होता है। पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अभी खेल नहीं पाऊंगी। मुझे ये था कि मेरे को इंजरी से बाहर निकल के खेलना है, और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि खिलाड़ी की किस्मत भी होती है, उसको किसी का सपोर्ट भी मिलता है, तब जा करके वो एक बड़ा खिलाड़ी बनता है। नेहा गोयल आज अगर खिलाड़ी बनी है और बड़ी खिलाड़ी, बड़ा एक हॉकी प्लेयर बनने के कगार पर है, या उस ओर आगे बढ़ रही है, तो आप किसको श्रेय देती हैं उस तमाम चीज़ों के लिए? मैं बचपन में मेरे जूते फटे रहते थे, मेरे को अभी भी याद है, मेरी दीदी मेरे को पैसे देते थे, प्रीतम सिवाच बोलते थे जा जूते लेके आ। और जितनी भी मेरी सपोर्ट की है उन्होंने ही किया, आज तक ट्रफ पे आते थे हमेशा, हर चीज़ में मेरी फीस से लेके हर चीज़ में, अभी भी बच्चों के हमेशा वही करते हैं। पर मैं जितना भी श्रेय देती हूँ अपनी कोच को देती हूँ, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, घर पे भी और सुख में भी और दुख में भी, हर टाइम उन्होंने मेरी हेल्प की है। जी, अब जैसे आप ब्रेक से पहले जिक्र किया था आपने कि हॉलैंड के कोच हैं, यहाँ पर प्रीतम सिवाच जी हैं, तो ट्रेनिंग में किस तरीके का एक फ़र्क देखने को मिलता है आपको? कुछ बातें यहाँ से सीखने को मिलती होगी, कुछ बातें वहाँ से सीखने को मिलती होंगी, कितना आप महसूस करते हैं कि हाँ फ़र्क है? यहाँ पे अभी जो हॉकी है दीदी सिखाते हैं, वहाँ पे जाके हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती करने में, जो वो दूसरी हॉकी सिखाते हैं जो वहाँ पे दूसरी होती है। यहाँ पे हम 5 डिफेंडर होते हैं और 5 फॉरवर्ड, पर वहाँ पे 3 4 फुल बैक होते हैं, 3 मिडफील्डर और 3 फॉरवर्ड। पर हमें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी कोच वही सिखाती है, ड्रिल वगैरह सब स्किल वगैरह। हमारी प्लेयरों में काफ़ी स्किल है, तो हमें वहाँ पे जाके बिल्कुल भी वो नहीं होता। नेहा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ आपने तो ग्रास रूट लेवल से देखा है कि हॉकी किस तरह से बढ़ रही है, ये ग्रास रूट लेवल पर क्या रहा है हॉकी का स्तर, और अभी हॉकी का स्तर कैसा है, क्या ज़मीनी स्तर पर हॉकी में कुछ सुधार दिखा है आपको, कि गांव-गांव से अगर बच्चे निकल रहे हैं तो क्या सुधार हो रहा है, या आपको लगता है कि सरकार को अभी काफ़ी कुछ करना होगा? ग्राउंड में काफ़ी बच्चे आते हैं, 2 2 किलोमीटर से काफ़ी 150 बच्चे खेलते हैं इस ग्राउंड में सोनीपत में, पर आज तक किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई भी स्कीम नहीं है। हमने साई में भी काफ़ी टाइम, काफ़ी बार वो
अप्लीकेशन भेजी है पर हमारा कोई भी आंसर नहीं आया उनका वापस। अभी यहाँ पे राय में एक अकेडमी खुली है पर मैं चाहती हूँ कि वो अकेडमी उसमें शहर में खुलनी चाहिए, ताकि शहर में इतने बच्चे हैं, इस ग्राउंड में कम से कम 40 बच्चे नेशनल प्लेयर है और 60 स्टेट लेवल पे है और 12 से 15 बच्चे इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जिनको ना डाइट मिलती है और उनके जूते भी वगैरह बिल्कुल भी जूते फटे रहते हैं, किट भी बहुत ज़रूरी होती है और स्टिक लकड़ी की स्टिक से खेलते हैं बच्चे। मैं चाहती हूँ स्टिक और जूते वगैरह किट वगैरह तो अच्छी होनी चाहिए प्लेयर के लिए। और इतनी दूर आते हैं टर्फ पे, यहाँ पे कोई ग्राउंड मैन नहीं है ना, वहाँ पे है पानी लगा खुद ही बच्चे पानी लगाते हैं और आधा घंटा वेस्ट हो जाता है प्रैक्टिस का। तो एक ग्राउंड मैन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ये जो हॉकी स्टिक है ये वैसे कितने की, मतलब इसकी कीमत क्या होती है नेहा, अगर आप प्रोफेशनल एक हॉकी स्टिक लेना चाहते हैं तो? अच्छी क्वालिटी को तो कम से कम 5-6 हज़ार की होती है। यानी कि ये जो हॉकी स्टिक अभी आप हैं ये 5 हज़ार की हॉकी स्टिक है जो कि बच्चों को मुहैया नहीं हो पा रही, मिल नहीं पाती है। हाँ जी, वो हमारी दीदी अपनी तरफ से, जो मैं शुक्रगुजार करती हूँ रेलवे का, रेलवे ने हमें जॉब दी, उन्हीं की वजह से हमारा आज खाना पीना सब कुछ, हमारी रोजी रोटी चलती है। हमारे ग्राउंड की कम से कम 15 लड़कियाँ लगी हुई है रेलवे में, और जो हमारी लड़कियाँ लगी है वही पैसे इकट्ठे करके लड़कियों को थोड़ा बहुत ग्राउंड के लिए थोड़ा करते हैं, स्टिक वगैरह सब कुछ। तो ये भी एक बात है कि आखिर किस तरीके से दिक्कतों का सामना यहाँ पर लगातार करना पड़ रहा है हॉकी के खिलाड़ियों को, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, हम तो देखते हैं कि हाँ इंडिया की लड़कियाँ हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और हम खुश होते हैं, लेकिन शायद क्या कोई अभी भी नहीं देख पा रहा नेहा कि ज़मीन पर कितनी दिक्कतें हैं, और जिस एस्ट्रोटर्फ में हम लोग हैं इसके लिए भी प्रीतम शिवाजी ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और इसको भी लगवाने में बहुत एक लंबा संघर्ष उनका भी रहा है। हाँ जी, सोनीपत में सिर्फ एक यहीं पे टर्फ है और राई में है, बहुत दूर पड़ता है हमारे ग्राउंड से, इतनी दूर आते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं, जल्दी आके जल्दी भागना पड़ता बच्चों को। अगर सोनीपत में शहर में वहीं पर टर्फ होता तो बच्चों को इतनी जल्दी जल्दी काफ़ी टाइम तो खाना भी नहीं खा के आते बच्चे, स्कूल से सीधा भाग के सीधा यहाँ पे टर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, हॉकी की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, टीम इंडिया में जो तमाम हॉकी प्लेयर्स हैं अलग अलग स्टेट से आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मस्ती खोर कौन है नेहा? हम ही हैं, हरियाणा वाले। कोच तो मुझे ज़्यादा बोलते यही ज़्यादा हंसमुख हंसती रहती है। ये अच्छी बात भी है कि हंसमुख भी होना चाहिए और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन मस्ती का तरीका क्या होता है नेहा, मतलब किस तरीके से मस्ती आप तमाम हरियाणा वाली लड़कियां करती हैं? प्रैक्टिस के बाद भी हम काफ़ी बार मस्ती करते हैं, और कई बार जो हमारी साइकोलॉजी क्लास लगती है उसमें भी ना, जैसे हम उनको बोलते हैं मैडम को कि हमें डांस करवाना है तो डांस भी करने लग जाते हैं कहीं पे भी कभी भी। तो अच्छा, साइकोलॉजी की बात सामने आई है, बड़ा दिलचस्प होगा इस पूरे इंटरव्यू में, साइकोलॉजी की क्लास में होता क्या है, मतलब क्या ट्रेन किस तरह की ट्रेनिंग होती क्या होता है? वो हमें पूछती है कि हमारे क्या कमी है, जैसे हम कॉमनवेल्थ में गए थे तो वहाँ पे हमसे पूछा कि क्या कमी रही, आगे हमें क्या करना है, तो थोड़ा हमारे दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, फिर कोचिज से डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, फिर कोचिज हमें मोटिवेट करते हैं। काफ़ी बार लड़कियाँ होती है कि डिमोरलाइज हो जाती है, अभी वर्ल्ड कप में हमारा क्वार्टर फाइनल था, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम हार जाएंगे क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि शूट आउट हमारी टीम के बेस्ट है, जो हमारी रानी रामपाल और सब है बहुत अच्छा मारते हैं, उन्होंने कभी मिस नहीं किया। सब लड़कियाँ बहुत सैड थी इस बार, पर कोचेज ने बोला कि हमारे पास अभी एशियन गेम है, कोई नहीं अभी इसको यहीं पर छोड़ो और एशियन गेम पर ध्यान दो, तो लड़कियों ने उसको वहीं पर छोड़ के एशियन गेम पर ध्यान दिया, तो आज मेडल है। अच्छा ठीक है, वापस लौटते हैं उसी मस्ती वाली बात पर, आपने कुछ कोचेस को या फिर कैप्टन को कुछ ऐसे भी होता है कि चार पांच या कुछ और लड़कियां हैं जिन्होंने अलग से कोई नाम रख रखा है जो कि रानी रामपाल को भी नहीं पता कि उनका नाम है ये, या कोचेस को भी नहीं पता कि उनको इस तरीके से भी बुलाते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, या अभी नहीं बताना चाहते हैं? है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब जब जीतते हैं आप लोग,
जब एक अच्छा मैच कोई जीता है तो सेलिब्रेट किस तरीके से होता है? फोटो खिंचवाने लग जाते हैं, मस्ती करते हैं, ज्यादा वो नहीं, बस थोड़ा करते हैं, क्योंकि आगे मैच पे भी ध्यान देना होता है। अगर हम उसी टाइम ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे तो फिर आगे, हमें साइकोलॉजी में बताते हैं, अगर हम गोल मार के आते हैं तो हमें उस टाइम ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना है, पर उसके बाद हमें अगला उसके पे भी फोकस करना है कि उस गोल पे इतना वो नहीं करना कि हम गोली खा जाएं पीछे। प्रीतम जी कह रहे थे कि आप गाने भी गाती हैं। नहीं, डांस डांस करती हूँ। चलिए, वो तो हम खैर अभी नहीं कर सकते क्योंकि म्यूजिक भी नहीं है और अभी प्रैक्टिस का भी है। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे जो हरियाणा के तमाम दर्शक हैं, अगर आप हरियाणवी में कहना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और हमारी टीम को इतना सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए भी नया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे खेलती रहें, जीतती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच। तो ये आज के चैंपियन में नेहा गोयल, हॉकी खिलाड़ी, और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में भी एक बहुत शानदार खेल इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, ताकि और ज़्यादा भारत हॉकी में गोल भी करे और पदक भी जीते, नाम भी रोशन करे। तो पेशकश में बस इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।